Hello viewers, this is Gyan Shree Education and I am Ritu Sharma. Today we will learn about should and should have. देखिए should and should have क्या होता है? Should एक बहुत ही common सा और सबका सुना हुआ topic है. But इसका actual use क्या है? इसको हम आज समझेंगे. देखिए should का use हम करते हैं obligation, expectation, recommendation as well as in advice. But मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों का यूज हम करते हैं और बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस भी करते हैं, बट जब हम व्यवहारिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो दीज ऑल आर अ टाइप ऑफ एडवाइस. ये सारी भी व्यवहारिकता के तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये एडवाइस ही होती है. और स्पोकन की यही खूबसूरती है कि काम को हम इजी से इजी वे में, किसी भी बात को हम इजी से इजी वे में कहना सीखते हैं. तो इसलिए आज हम शुड को एडवाइस के रूप में पढ़ेंगे. इट मीन्स शुड इज फॉर एडवाइस. अब देखते हैं शुड इज फॉर एडवाइस तो कैसे, किस तरह की सलाहें हम शुड से देते हैं. देखो एडवाइजेस देना हमारी हैबिट में होता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स और ऑफन वी गिव एडवाइस. तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो एडवाइसेस हम कैसे देते हैं, बच्चों को ही पूरा दिन जो पेरेंट्स हैं बहुत सारी एडवाइसेस देते हैं. क्या क्या एडवाइसेस देते हैं? तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, या कूदना नहीं चाहिए, या शूज पहनने चाहिए, या प्रॉपर क्लॉथ पहनने चाहिए, या स्कूल की एडवाइजेस देखिए टीचर्स क्या कहेंगे, कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए, और बुक्स को नहीं फाड़ना चाहिए, बुक्स को कवर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स को ऑबे करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए. इस तरह की ये कॉमन एडवाइजेस हम अक्सर हमारे पूरे दिन के दौरान कई बार देते हैं. तुम्हें वहां जाना चाहिए, ताजमहल देखना चाहिए, या उसको आ जाना चाहिए, मुझे वहां 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए. इस तरह से जो है हम सारे के सारे टॉपिक्स से रिलेटेड एडवाइस देते हैं. अब ऐसी कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम उन एडवाइसेस को हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं लेकिन हम उनको इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं. बट इंग्लिश में एडवाइस देना एक बहुत ही आसान काम है, हम शुड को यूज करके इंग्लिश में आसानी से एडवाइस दे सकते हैं. अब देखिए कैसे, शुड एक मॉडल है, सो इट इज वेरी कॉमन दैट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद शुड. और अब हम देखेंगे कि मॉडल्स जो है वो बहुत ही यूजफुल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी तरह से शुड भी एक बहुत ही यूजफुल मॉडल है जिसका यूज सीख करके हम पूरा दिन इंग्लिश के अनेकों अनेक सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. अब देखिए मैं एक एडवाइस बनाती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यू. इट मीन्स मैंने अपने सामने वाले को एडवाइस दी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब यही एडवाइस मुझे नेगेटिव में देनी है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, यू शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस तरह से पॉजिटिव एडवाइस दी मैंने, नेगेटिव एडवाइस दी. अब हमने इतनी सारी एडवाइजेस जो हिंदी में दी थी उन सभी को एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं. जैसे तुम्हें खेलना चाहिए यू शुड प्ले, तुम्हें सच बोलना चाहिए यू शुड स्पीक ट्रूथ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हें वहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम देयर, तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए यू शुड नॉट फ्लाई काइट, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए यू शुड नॉट टेक जंक फूड, तुम्हें अपना समय यूजफुल बनाना चाहिए यू शुड मेक योर टाइम यूजफुल, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए यू शुड स्टडी, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें बैड कंपनी में नहीं ज्वाइन करना चाहिए यू शुड नॉट ज्वाइन द बैड कंपनी, तुम्हें अपने टाइम को बहुत अच्छे और भरपूर तौर पर जीना चाहिए. इस तरह की एडवाइजेज जो है हम अक्सर देते रहते हैं. अब देखिए ये सारी एडवाइजेस हमने दी, हमारी कुछ एडवाइजेस पॉजिटिव थी और कुछ एडवाइजेस नेगेटिव थी. इस तरह से सुबह से शाम तक हम एडवाइजेस देते हैं. लेकिन अब देखिए मैंने एडवाइजेस को दो तरीके से लिखा हुआ है, एक प्रेजेंट एडवाइस इट मीन्स शुड, दूसरी पास्ट एडवाइस मीन्स शुड हैव.
देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, शुड से हम बनाते हैं प्रेजेंट एडवाइस एंड शुड हैव से हम बनाते हैं पास्ट एडवाइस। अब देखिए कैसे, हमें क्या जरूरत पड़ती है पास्ट एडवाइस की, क्योंकि प्रेजेंट में एडवाइस तो हम अक्सर देते ही रहते हैं, बट ऐसी क्या स्थिति आ जाती है और वो कौन सी सलाह होती है जो हम पास्ट में देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो शुड है ये एक प्रेजेंट एडवाइस है। अब देखिएगा, इस शुड से हमने प्रेजेंट एडवाइस बनाई। अब ये प्रेजेंट एडवाइस कब बनाई और क्यों बनाई, और पास्ट एडवाइस हम किस स्थिति में बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, ये हम समझते हैं। देखिए, एक एडवाइस हम देते हैं समय से रहते या किसी भी काम को बिगड़ने से पहले। जैसे एग्जाम नियर है तो मैं अपने बच्चों को क्या एडवाइस दूंगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, पढ़ाई के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये कैसी एडवाइजेस थी? ये वो एडवाइजेस थी जो मैंने शुड को यूज करके बनाई, जो कि प्रेजेंट एडवाइजेस थी, बिकॉज अभी जो स्थिति है उसमें समय बाकी है, एग्जाम आने बाकी है। इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करके बच्चे जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या दूसरी चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि समय बीत गया और जो है वो काम बच्चों ने नहीं किया, उस ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किए। तो ऐसे सिचुएशन में जब जो है वो अपनी सेहत को नहीं उतना मेंटेन रख पाएंगे या वो बीमार पड़ जाएंगे या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, तभी भी एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से नहीं रह पाऊंगी और काम के बिगड़ने के बाद भी मैं उनको यही बोलूंगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए थी, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। इस तरह से काम को बिगड़ने के बाद मैंने जो एडवाइस दी उसको हम शुड हैव कहेंगे। अब यहाँ एक चीज देखने की है कि यहाँ प्रेजेंट में शुड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, बट यहाँ शुड के साथ हैव भी है जिसको मिलकर के शुड पास्ट एडवाइस बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं, दिस इज पास्ट एडवाइस। अब देखें कि पास्ट एडवाइस अच्छे से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, हम सिचुएशंस लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि एक हमारा फैमिली मेंबर या हमारा कोई फ्रेंड जो है बुरी आदत में है, स्मोक करता है, अच्छा खाना नहीं खाता है, जंक फूड खाता है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम पहले उसको प्रेजेंट एडवाइस देते हैं, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइजेस, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अल्कोहल या शराब नहीं लेनी चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन या यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर। ऐसी कंडीशंस में हमने उसको एडवाइजेस दी प्रेजेंट में, यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है, यू शुड वॉक, यू शुड रन, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू शुड टेक फ्रूट्स, you should take healthy food, you should take green vegetables, you should follow the healthy routine of life। इस तरह से जो है हमने उसको बहुत सारी advices दी। अब वो situation से बाहर नहीं आता, हमारी advices को neglect करता है, उनको follow नहीं करता है, तो ऐसे situation में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो व्यक्ति बीमार है, इन सभी एडवाइस को उसने फॉलो नहीं किया है और वो अब हॉस्पिटल में है, मान लीजिए ऐसा कभी ना हो, गॉड फॉरबिड, बट इट हैपन, तो हम क्या करेंगे, उससे मिलने जाएंगे और वहां पर जाकर के भी एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ऐसी कंडीशन में वी विल गिव अ पास्ट एडवाइस। और हम पास्ट एडवाइस कैसे करेंगे, देखिए आपको मेहनत करनी चाहिए थी, एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, या आपको स्मोक नहीं करना चाहिए था, आपको अल्कोहल ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, आपको मेरी बात मानना चाहिए थी, आपको अच्छे फल खाने चाहिए थे, हरी सब्जियां खानी चाहिए थी, या आपको जिम जाना चाहिए था, आपको वॉक करने जाना चाहिए था। इस तरह से जो है बहुत सारी एडवाइसेस हम उनको दे देंगे। अब हम देखेंगे कि इन एडवाइसेस को हम प्रेजेंट से पास्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला इज। देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रूल लिखते हैं। हम क्या रूल लिखेंगे, हम पास्ट एडवाइस का रूल या फिर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, हम एडवाइस देंगे पास्ट में, यू शुड, शुड हैव
have plus verb की third form. अब यहां मैं negative advice लिखूंगी. You should not have plus verb की third form. अब मैं क्या देखूंगी, देखिए ये चीज समझने की है. मैंने ये फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए मैंने प्रेजेंट एडवाइस बनाई. यू शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. अब देखिए यू शुड नॉट हैव, अब यहाँ शुड और हैव के बीच में नॉट का यूज किया है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा. अब मैं क्या एडवाइजेस बनाऊंगी, यू शुड हैव टेकन ग्रीन वेजिटेबल्स, यू शुड हैव टेकन एक्सरसाइजेस, यू शुड हैव टेकन वॉक, यू शुड नॉट हैव टेकन अल्कोहल, यू शुड नॉट हैव ड्रंक वाइन, यू शुड हैव टेकन हेल्दी फूड, यू शुड नॉट हैव टेकन जंक फूड. इस तरह से मैंने बहुत सारी एडवाइजेस दी. अब मैंने ये सारी एडवाइजेस पास्ट में दी. अब मैं एक और सिचुएशन बताती हूँ. देख लीजिए, हम सबके घरों में बच्चे हैं, हम पेरेंट्स उनके पीछे ही पड़े रहते हैं, बेटा पढ़ लो, बट इन सच एज वो इतना इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज, और वो अपना टाइम अक्सर खराब कर देते हैं, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फिर प्रेशर में आते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं. तो प्रेजेंट एडवाइजेस इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी देखी. मैंने बताई आपको कि यू शुड स्टडी, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड ऑबे योर पेरेंट्स, एंड यू शुड फॉलो अ टाइम टेबल, एवरीथिंग. लेकिन ऐसा नहीं होता है, अक्सर बच्चे उन सारी एडवाइजेस को फॉलो नहीं करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जो है उनकी उनको देखते हैं केवल और उनको ऑब्जर्व करते हैं. बट एडवाइजेस के बावजूद भी जब बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं करते हैं तो हम रिजल्ट का वेट करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि कई बार बच्चे उतना एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं. तो फिर सिचुएशन आती है पास्ट एडवाइजेस की, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. तो ऐसी कंडीशंस में पेरेंट्स पास्ट एडवाइस देते हैं, या कोई भी ब्रदर अल्डर सिस्टर पास्ट एडवाइस देती है अपने छोटे बहन भाइयों को, या किसी को भी, या कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को. तो क्या एडवाइजेस देंगी, यू शुड हैव स्टडी, यू शुड हैव वर्क हार्ड, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर टाइम, you should obey your teachers, you should have gone to tuition, you should have attended lectures, you should have studied hard, you should have completed your notebooks, and you should have practiced a lot. इस तरह से हमने past advices दी हैं. जब हम इतने सारे पास्ट एडवाइजेस देना सीख लेंगे तो आप देखिएगा दिन के कितने सारे और यूजफुल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं प्रेजेंट एडवाइजेस को फॉलो करके, पास्ट एडवाइजेस को फॉलो करके. इस तरह से हम देखेंगे कि शुड एंड शुड हैव कितने ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.